हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोग क्लास 10 फर्स्ट टर्म एग्जाम 2021 और 2022 ये जो सिलेबस आपके क्वेश्चंस के हैं उसके क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग आज करेंगे लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 3 तक हमने फर्स्ट टर्म क्लास 10 2021-22 के जो आपके सिलेबस है उस सिलेबस को डिस्कस किया था और जो सीबीएसई की तरफ से आपका सैंपल पेपर मिला था मैथमेटिक्स का उसके क्वेश्चन को हमने डिटेल्ड सॉल्यूशन दिए। अब लेक्चर नंबर 4 में हमने स्टार्ट किया आपका कि जो यूनिट दिया गया है, जैसे आप देखेंगे सिलेबस में कि आपके सिलेबस में फर्स्ट टर्म एग्जाम के अंदर पहला जो आपका कंडीशन है उसमें पहले में आपका क्या आ रहा है ध्यान, तो फर्स्ट में आप देखोगे कि पहले के अंदर आपको देखना है कि फर्स्ट में जो हमारा आ रहा है वो फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट टर्म्स के अंदर जो यूनिट नेम है नंबर सिस्टम, तो पहला नंबर सिस्टम से इसके आपके 6 नंबर के क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आपसे पूछे जाए और ये नंबर सिस्टम के जो 6 नंबर के क्वेश्चन होंगे सारे क्या होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं कि नंबर सिस्टम्स के अंदर आपको क्या सीखना। तो नंबर सिस्टम के अंदर आप देखोगे कि नंबर सिस्टम के अंदर आपको जो पढ़ना है वो नंबर सिस्टम के अंदर आपको जानना है और रियल नंबर्स, क्या जानना है, रियल नंबर्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, स्टेटमेंट आफ्टर रिव्यू वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर इलस्ट्रेटिंग एंड मोटिवेटिंग थ्रू एग्जांपल्स, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स इन टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। इसी के बारे में आपको रियल नंबर्स में जानना है जो यूनिट 1 में दिया गया, इसी के हम क्वेश्चंस कराएंगे आपको अभी एमसीक्यू क्वेश्चन और जो भी पॉइंट्स आएंगे उसको क्लियर करते चले जाएंगे बेसिक के साथ साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं इसको मैं निकालता हूँ, ये क्वेश्चन है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है रियल नंबर्स के अंदर, यानी नंबर सिस्टम में रियल नंबर से इसमें आपके ये क्वेश्चंस पूछे जाए और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपके बेसिक साथ साथ भी क्लियर हो। जैसे आपने देखा कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि ये प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो आप जानते हैं कि प्राइम नंबर क्या है, एनी नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 1 एंड इट्स सेल्फ ओनली, कोई भी ऐसा नंबर होगा जो 1 और इट्स सेल्फ से ही डिवाइड हो, इसके अलावा किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड, या आप इन अदर वर्ड्स आप ये बोल सकते हो कि एनी नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इट्सेल्फ, ऐसा कोई भी नंबर होगा जिसके केवल 2 ही फैक्टर बनेंगे, तो 1 बनेगा एक वो खुद हो। तो आप देखोगे और ये भी जानना है कि जो प्राइम नंबर है ऑलवेज ग्रेटर देन 1, प्राइम नंबर क्या होगा 1 से ऑलवेज ग्रेटर होगा, 0 प्राइम नंबर नहीं हो सकता क्योंकि इसके फैक्टर ओनली 0 है, 1 प्राइम नंबर नहीं हो सकता कि उसके फैक्टर ओनली 1 है, 1 खुद भी 1 है, इटसेल्फ भी 1। तो सबसे पहला प्राइम नंबर क्या है 1, क्योंकि ये 2 है, क्योंकि ये 2 क्या है 1 से भी कटेगा और 2 से कटेगा, यानी इसके 2 फैक्टर्स 1 है इटसेल्फ, इसीलिए ये भी प्राइम नंबर है, लेकिन आपसे पूछा गया स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, आपका राइट आंसर क्या हो गया 2। दूसरे क्वेश्चन में आप देखोगे The sum of the first 5 prime numbers, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको पता चल जाएगा कि प्राइम नंबर पहले 5 prime numbers, तो फर्स्ट प्राइम नंबर आपने देखा 2 है, सेकेंड प्राइम नंबर 3 है, थर्ड प्राइम नंबर 5 है, फोर्थ प्राइम नंबर 7 है, फिर कोई बच्चा बोले 9, तो 9 नहीं है क्योंकि ये 3 से कट जाता है, इसके बाद आपका है 11, आप इसको ऐड करोगे तो 3 2 5 5 10 10 प्लस 7 17 17, में अगर आप 11 जोड़ोगे तो 28 आ जाए, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया डी, तो डी जवाब राइट। अगर आप बात करोगे क्वेश्चन नंबर 3 की द टोटल प्राइम नंबर्स बिटवीन, कह रहा है टोटल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100, 1 और 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स, तो आप इसको वैसे तो याद करना है इसको लेकिन अभी सीखना है, तो आप देखेंगे 100 के बीच प्राइम नंबर्स 2 आ गया आपका, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, 13 है, 15 है,
फिर 17 है, फिर 19 है, 21 नहीं आएगा आपका, 23 है, फिर आपका 29 है, फिर 31 है, फिर आप देखोगे कि 32, 33, 34, 35, 30, फिर आपका आ जाएगा 37, फिर 38, 39 नहीं होगा, फिर आपका जाएगा 41, फिर आ जाएगा 43, फिर आएगा 47, फिर 48, 49, 50, 51, 52, फिर आपका जाएगा 53, फिर 54 है, 55, 56, 56, फिर आपका आ जाएगा 59, फिर आपका जाएगा 61, 61 के बाद देखोगे 62, 63, 64, 65, 67, फिर आप देखोगे 68, 69, 70, फिर आपका आ जाएगा 71, 73, फिर 74, 75, 76, 77, 78, फिर आ जाएगा 79, फिर आप देखोगे 80, 81, 82, फिर आपका आ जाएगा 83, 84, 85, 86 नहीं आएगा क्योंकि कट जाता है, 87 नहीं आएगा, 88, 89, फिर इसके बाद आप देखोगे 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, अब इसको काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, तो टोटल आपके 25 पर चेक कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपने क्या लिखा, 15 नहीं आना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, ये 43 के बाद हमने क्या, 47 है, तो ये अब टोटल कितना आ गया हमारा 25, तो आप इसको याद कर सकते हो, कितना निकालने का टाइम नहीं रहेगा, तो याद रखो कि 1 और 100 के बीच में टोटल प्राइम नंबर्स कितने होंगे, 100 हो जाएंगे, 1 और 100 के बीच में टोटल प्राइम नंबर कितने होंगे, 25, 25 प्राइम नंबर होंगे 1 से 100 के बीच, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, BR। चलो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, उससे पहले इसको थोड़ा क्लियर करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4th में आप देखोगे आपसे पूछा गया है कि द यूनिट डिजिट ऑब्टेन ऑन सिंपलीफाइंग द यूनिट डिजिट की बात करता है, तो यूनिट डिजिट आपका क्या है, 1, 7 है, 1 है, 9 और 4 है, तो आप यूनिट डिजिट ले लो 7 × 1 × 9 × 4, ये आ जाएगा 7 × 1 = 7, 7 × 9 = 63, केवल यूनिट डिजिट को लो तो 3 आ गया, 3, 4 = 12, तो यूनिट डिजिट क्या आ गया आपका, तो आपका राइट आंसर क्या है, डी ऑप्शन। आप देखोगे द नंबर रूट 3 इज एनाफ, तो आप जानते हैं इंटीजर क्या होता है, पहले सीख चुके हो, कोई भी नंबर्स है यानी 0 से लेकर आगे के पॉजिटिव नंबर और पीछे के नेगेटिव नंबर, ये सारे ऑल नेगेटिव इंक्लूडिंग 0 एंड पॉजिटिव ऑल आर इंटीजर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू को बोलेंगे रेशनल नंबर, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, एनी नंबर विच नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी वाई, कोई भी नंबर जो पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, ये √3 पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं है क्योंकि √3 आपका इंटीजर नहीं है, सो √3 जे इरेशनल नंबर, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन। फिर आप देखोगे SCF एंड LCM ऑफ दिस पूछा गया, तो चलो SCF और LCM आपको बताते हैं, हमारे पास SCF LCM निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपको ट्रिकी अप्रोच से हम दो तरीका समझा रहे हैं, ध्यान, जैसे आप देखोगे यहाँ पे आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया है कि डेटी SCF एंड LCM ऑफ दिस, तो आपको नंबर दिया गया, एक तो 6 है, दूसरा आपका 72 है और आपका 120। इस क्वेश्चन को बनाने के दो तरीके, तरीका है फैक्टर का, 6 को ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा 2 × 3, अगर आप 72 आपके पास है इसको आप ब्रेक करो, यहाँ पर ब्रेक करके आप चेक कर सकते हो, 72 को ब्रेक करोगे 2 से दोगे आ जाएगा 36, फिर 2 से दोगे 18, 2, 9 = 18, 3, 3 जाना है, तो क्या आ गया 2 का 3 और 3 का 2, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 की 3 है और 3 का 2 है। इसी तरह से 120 को भी अगर आप यहाँ पे ब्रेक करके चेक करोगे तो 2 से दोगे तो ये आ जाएगा 60, 2 से दोगे आ जाएगा 30, फिर 2 से दोगे 15, 3, 5 = 15, क्या मिला आपको 2 की पावर है 3 और 3 का है 1 और ये आपका गया 5। अब आपसे अगर पूछा गया है कि बताइए LCM, LCM का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन इसके अंदर जिसकी पावर हाईएस्ट होगी वो लेंगे, 2 का 1 है, 2 का 3 है,
ये यहाँ पे आपने देखा 2 का 3 है और यहाँ भी आपका 2 का 3 है, तो मैक्सिमम क्या है 2 का 3, तो आप यहाँ ले लोगे 2 की पावर 3। अब देखो 3 का 1 है, 3 का 2 है, 3 का 1, हम क्या ले लेंगे 3 का 2। यहाँ 5 नहीं है, डेट इज 5 का 0, यहाँ 5 नहीं है 0, 5 का 1, तो क्या ले लेंगे 5 का 1। तो आप देखोगे 2 का 3 क्या होता है 8, और 8 ये क्या होता है 3 का 2 9, 8 9 जा 72, 72 को 5 से करोगे तो क्या जाएगा 360। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 360। अब 360 यहाँ भी है और 360 यहाँ भी, आपको क्या निकालना है HCF। HCF का तरीका क्या होता है, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है कि तीनों में कॉमन होगा उसको लेना, 2 1 टाइम, 2 3 टाइम, 2 3 टाइम, तो क्या है 2 1 टाइम, तो कॉमन आ जाएगा 1। फिर आप देखोगे 3 1 है, 3 2 है, 3 1, तो क्या आ जाएगा 3। इसके बाद तो कोई कॉमन नहीं है, तो 2 3 जा क्या आ गया 6, तो आपका HCF क्या आ गया 6, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया सी ऑप्शन 6 एंड 360, यही आंसर राइट है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में आप देखोगे 7th क्वेश्चन, अगर हम 7th क्वेश्चन की बात करें तो 7th क्वेश्चन क्या देखो, ये 7th क्वेश्चन आपका है कि द टोटल नंबर ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि डेट इज इवन प्राइम नंबर का क्या मतलब है। तो प्राइम नंबर तो आप समझिए कि ऐसा नंबर होगा जो 1 और 7 के अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, वो प्राइम नंबर है। अब इवन प्राइम नंबर का मतलब हो गया कि ऐसा प्राइम नंबर हो जो 2 से कैंसिल हो जाए। तो आप जानते हैं कि केवल 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो 2 से डिवाइड हो सकता है, इसीलिए टोटल नंबर ऑफ इवन प्राइम नंबर कितना है ओनली 2, यही आपका राइट आंसर है। फिर आपने देखा 22/7 इज ए, 22/7 क्या है, प्राइम नंबर है, इंटीजर है, रेशनल है और इरेशनल है। तो आपने सीख चुके हैं कि इट इज ए प्राइम नंबर, तो वो होता है जो किसी से ना कटे 1 और इसके अलावा कोई इसका फैक्टर ना हो, लेकिन ये p/q के फॉर्म में तो ये प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरह इंटीजर में भी आपने सीखा था 0, -, +, है, ये भी नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या है रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है क्योंकि ये p और ये q है, दोनों इंटीजर्स हैं, p एंड q यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर इंटीजर्स, सो इट इज ए रेशनल नंबर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th। 9th क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ 2 नंबर 37 एंड देयर प्रोडक्ट 342 देन नंबर्स आर। ऐसे क्वेश्चंस बनाने के आपके पास कई तरीके हैं और बहुत सारे तरीके आप यूज कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, ऊपर ले जाते हैं इसको, द सम ऑफ 2 नंबर 37, 2 नंबर का सम दे रखा है आपको 37 और उसका प्रोडक्ट 3/4। ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट ऑप्शन से बना लो, आप चेक करो किसको जोड़ के 37 आता है, 9 17 है, ये 37 आ रहा है, लेकिन अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसके बराबर आएगा या नहीं आएगा। तो आप इसको अगला भी चेक कर लो, ये है 23 और ये आ जाएगा आपका 37। 14 3 जा होता है 42, कैरी हो गया आपका 4, अब 14 2 जा 28 और 4 कितना होता है 32, ये तो 342 ये नहीं होगा, यहाँ भी जोड़ के 37 है, लेकिन 13 4 जा होता है 52, कैरी हो जाएगा 5 और 13 2 जा 26 और 5 जोड़ोगे 31, ये भी नहीं है। इसका मतलब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 9 8 जा 72, कैरी हो जाएगा कितना 7, 9 8 जा 72 का 2 कैरी हो जाएगा 7, 9 2 जा 18 और 18 में 7 जोड़ोगे 26। तो आपका पहला आंसर यही हो सकता है। आप चेक करके देख लो कि अगर आप 19 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 9 जा 72, कैरी हो जाएगा आपका कितना 7, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 9 और ये 1, तो 2 आ गया, 14 आ गया और 3, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 3/4। तो पहला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है, जब आप इसको ऐड करोगे तो 37 आएगा और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 3/4 2 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए ऑप्शन इज बेस्ट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ए नंबर इज बिगर देन 22 एज मच इट इज स्मॉलर देन 72। द नंबर कह रहा है एक नंबर इज बिगर देन 22 एज मच इट इज स्मॉलर देन 72। एक नंबर है जो 22 से उतना ही बड़ा है जितना वो 72 से छोटा है,
इसका मतलब हुआ कि 92 से तो बड़ा नंबर है और 72 से छोटा नंबर, तो 92 से बड़ा है तो डिफरेंस क्या आएगा, जीरो, और 70 का डिफरेंस आएगा। और आप देखोगे स्मॉलर देन, तो ये तो 72 से क्या है, बड़ा है, तो ये आंसर आपका नहीं हो सकता। अगला आप देखेंगे 22 से, तो ये बड़ा है तो डिफरेंस क्या है, 7 में से 2 गया ऊपर, 25 है, और इससे क्या है छोटा है, डिफरेंस कितना है, 12 में से 7 गया 5 और 6 में से 4 गया 2। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, तो 47 बिल्कुल राइट आंसर है। एक बार दोबारा चेक कर सकते हो, ऐसा नंबर जो कह रहा है कि 22 से जितना बड़ा है 72 से उतना ही छोटा है, तो आपने देखा 47 ग्रेटर देन 22 कितना बड़ा है, तो 7 में से 2 गया 5, 4, 25 बड़ा है, और ये 72 से छोटा कितना छोटा है, तो आप लेस करके चेक करेंगे। अगर आप 72 में से इसको लेस करोगे, तो 72 में से अगर आप लेस करोगे तो क्या आएगा, 12 में से 7 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 25, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। तो ये तो आपका आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन आप लेते हो, अगले क्वेश्चन में आप देखोगे क्वेश्चन नंबर है आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर आप बात करें, 11 क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारा ध्यान, ये कह रहा है कि डैडी एससीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर दिस, देन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, कह रहा है एससीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर इज दिस, एससीएफ दे रखा और दूसरा नंबर, देन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो आप जानते हो कि आपने पढ़ा था फॉर्मूला कि अगर एलसीएम ऑफ वन नंबर यानी एलसीएम मल्टीप्लाई में अगर आपका दिया होता है एचसीएफ, तो क्या होता है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी ए कोई नंबर है और बी कोई नंबर, तो यहाँ एलसीएम एचसीएफ देख कर जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, 4 6 24 यही आ रहा है, 4 9 36 2 38, 4 6 24 3 27, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, सी। फिर है 5 + √2 + √3, आप जानते हैं कि 5 रेशनल नंबर है, √2 इरेशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर है, किसी भी इरेशनल नंबर में अगर हम रेशनल को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा था कि 9/7 का 3, 49/81 का 10, और ये 7/9 की पावर 10 है, तो कह रहा कि बताइए एक्स की वैल्यू क्या है। ऐसे क्वेश्चन का तरीका क्या है, ध्यान, आपने देखा कि यहाँ पे 9/7, 9/7 की पावर दिया गया आपका 3, तो 9/7 की पावर दिया गया कितना, 3, और मल्टीप्लाई में आप देखोगे 49/81 है, तो 49 को आप क्या लिख सकते हो, दैट इज 7/9 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 7/9 का स्क्वायर, इस पूरे की पावर आपको क्या दिया गया है, दैट इज 2x-6, और ये किसके बराबर है, ये बराबर आपके है 7/9 की पावर दिया गया है 9। अब आप देखोगे ये 9/7 है, 9/7 की पावर है 3, और इनटू में ये आपका क्या है 7/9, तो 7/9 अगर है तो अगर हम इसको उल्टा करेंगे डेट इज कर देंगे 9/7, तो 9/7 अगर कर देंगे या इसी को कर दो 9/9, चलो इसको पहले सेट करते हैं, पहले ये आ जाएगा 7/9, और इसकी पावर आ जाएगी 2 जाके आ जाएगा आपका 4x, माइनस में आ जाएगा 12, और इक्वल में आ जाएगा आपका 7/9 की पावर कितनी है 9। अब आप देखोगे ये 9/7, 7/9, और ये तो दोनों तरफ सेम कर दे बेस, तो हमने ले लिया इसका 7/9, जब 7/9 करोगे तो ये 3 क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 3। फिर आप देखोगे कि ये तो इंटू आ रहा, तो ये ऐड होगा, ये आ जाएगा 4x, और ये क्या आ जाएगा माइनस का 12, और इक्वल में क्या आ जाएगा आपका 7/9 की पावर 9। अब आप देखोगे कि ये जो पावर है, ये पावर और ये पावर दोनों इक्वल होना चाहिए, तो माइनस का थ्री है -12, तो ये आ जाएगा -15, तो आपको मिलेगा 4x-15=9, तो ये आ जाएगा 4x=9+15, ऐड करोगे तो ये 9/5=14, ये आ जाएगा 24, 4 से इसको काट दो, क्या आ जाएगा 6। तो आपसे पूछा क्या गया था वैल्यू ऑफ दिस, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 6। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है
तो सबसे पहला काम है कि 9/7 की पावर 3 है और ये 49/89 है, तो हमने लिख दिया 7/9 का होल स्क्वायर पावर 2x-6 ऐसी छोड़ इक्वल में 7/9 की पावर क्या है 9 है। फिर आप देखोगे कि 9/7 का 3 × 7/9 को ये 2 से मल्टीप्लाई करो 2 जो 4x आ गया माइनस का 12 इक्वल में क्या है 7/9 की 9। अब आप देखोगे कि ये 9/7 ये 7 ये 7/9 तो इसको भी 7/9 बनाएंगे तो ये पावर निगेटिव हो जाएगा तो 7/9 का पावर ये निगेटिव हो गया और ये इंटू है तो ये प्लस एड हो जाएगा तो 4x-12 7/9 का 9 आ गया। अब पावर को बेस सेम है तो पावर सेम होगा तो ये आ जाएगा माइनस का 3 − 2 − 15 4x-15 इक्वल टू 9 तो 4x क्या होगा 9 + 15 ये आ जाएगा आपका 24 तो इसको 4 से काट दो 6 तो राइट आंसर क्या आ गया आपका 6 यही आंसर करेक्ट है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर लेते हैं 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आप देखोगे क्या क्वेश्चन है कि दैट इज इफ m टू द पावर n इक्वल टू 32 वेयर m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर देन द वैल्यू ऑफ n टू द पावर m। ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे सबसे पहला काम है इसको सेट करना। तो आप देखोगे कि किसकी पावर 32 होती है तो अगर आप चेक करेंगे तो आप इसको चेक कर सकते हो कि जैसे आपने दिया 2 की पावर 5 क्या होता है 32 कैसे तो 2 को मल्टीप्लाई करो 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 यानी 2 को 5 बार करेंगे तो 32 आएगा। तो ये हमने लिख दिया 2 की पावर 5 और इक्वल में क्या आपका है m टू द पावर n। इसका मतलब हुआ कि m आपका आ गया कितना 2 और n क्या आ गया आपका 5। अब पूछा क्या है n की पावर m n तो n आपका क्या है 5 और इसकी पावर क्या बोल रहा है m n तो अगर आप m into n करेंगे तो क्या आ जाएगा दैट इज 2 × 5 तो क्या मिलेगा 5 × 10 तो आपका राइट आंसर क्या आ गया सी ऑप्शन 5 to the power 10 आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट राइट। तो कोई बच्चा सोचेगा कि 2 का 5 कैसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि जैसे आपका 32 है आप इसको ब्रेक कीजिए यह आ जाएगा आपका 16 फिर 2 से देंगे 8 2 से देंगे 4 यह आ जाएगा 2 × 2 = 4 फिर 2 बन जाए कितनी बार 2 है 1, 2, 3, 4, 5 तो 2 का 5 आप लिख सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। अगर 16 के लिए थोड़ा सा इसको आगे करते हैं तो 16 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा ध्यान तो 16 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये आपका है 16 क्वेश्चन कह रहा है हमें कि दैट इज एनी वन ऑफ द नंबर दिस इज ए मल्टीपल एनी वन ऑफ द नंबर a + 12 a + 4 इज ए मल्टीपल। ये जो नंबर है ये किसका मल्टीपल है एनी वन ऑफ द नंबर a + 2 a + 4 इज ए मल्टीपल ऑफ दिस तो मान लो a की जगह आप 1 ले लेते तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा 3 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। तो हमें बोला गया कि एनी वन ऑफ नंबर a + 2 and a + 4 इज ए मल्टीपल ऑफ किसका मल्टीपल है तो आप देखोगे कि ये जो नंबर्स है वो किसका मल्टीपल है तो आप देखेंगे कि एनी वन ऑफ द नंबर दिस इज ए मल्टीपल है कोई भी एक जो है किसका मल्टीपल है। अगर आप इसमें 1 ऐड करते हो तो 1 से आपको क्या मिलता है 1 मिलता है और आपको मिल जाएगा 3 और आपको मिल जाएगा 5। अगर आप इसमें से 2 देते हैं तो क्या मिलता है आपको 2 मिलता है 4 मिलता है और ये 6 मिलता है तो 2, 4, 6। अगर आप 3 लेते हैं तो क्या मिलता है 3 मिलता है 5 मिलता है और 7 मिलता है तो 3, 5, 7। इसी तरह से आप देखोगे इसका मतलब हुआ अगर एक की बात हो तो अगर आप देखोगे कि 1, 3, 5 इसमें है 3, 5, 7 इसमें आ रहा है। अगर आप मान लो 4 लेते हो तो 4 में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा 6 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा तो 4, 6, 8 तो सब में आप देख रहे हो कि इसका जो मल्टीपल होगा 3 सब में आएगा 3 इसमें भी आएगा 3 आपका इसमें भी और 3 इसमें भी आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 3। फिर कह रहा है कि इफ p इज ए प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स k स्क्वायर देन p डिवाइड कह रहा है कि p कोई प्राइम नंबर है और p डिवाइड करता है k स्क्वायर p क्या करता है p डिवाइड करता है तो p क्या करेगा k
के को भी डिवाइड करेगा। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा, ये आप एग्जांपल दे सकते हैं, p इज ए प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स k स्क्वायर। मान लीजिए कि p कोई प्राइम नंबर है, तो कोई भी प्राइम नंबर ले लो, मान लो आपने 3 ले लिया, तो 3 क्या करता है, डिवाइड करा p जे प्राइम नंबर p डिवाइड k स्क्वायर। मान लो कि ये 3 स्क्वायर को डिवाइड करता है, किसको डिवाइड करता है, 3 स्क्वायर यानी 9 को डिवाइड करता है, देन p क्या करेगा, 3 को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। कोई भी एग्जांपल लो, जैसे आपने 5 ले लिया, अब ये 5 क्या करता है, तो 5 किसी भी स्क्वायर वाले नंबर यानी कि 25 को डिवाइड करता है, तो p क्या करेगा, 5 को भी डिवाइड करेगा। तो ये याद रखना है ट्रिक, p इज ए प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स k स्क्वायर, देन p डिवाइड्स k, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो चलो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, हमने किया है क्वेश्चन नंबर 17 तक। तो अगर इसी तरह से आप हमारे वीडियो को देखते रहें, इसके बाद इसकी अगली जो क्लास है, सारे क्लास में CLY जो भी 10 क्लास का टर्म फर्स्ट का आपका सिलेबस है, ये सारे सिलेबस को पॉइंट टू पॉइंट MCQ क्वेश्चन विद बेसिक आपको समझाएंगे। आप हमारे YouTube चैनल को अभी तक कुछ सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।